बड़े स्टोर में आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां पर धरा अब यहां पर देखने को मिलेगा किस तरह से देव को थप्पड़ मारने वाली है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एनिवर्सरी के दिन यहां पर ऋषिता और देव भड़क जाते हैं गोम्बी पर कि आखिर धरा ने उन्हें क्यों लॉक किया था। इसके बाद धरा यहाँ पर गोम्बी वाद को घुमा देता है और कहता है कि उसने इसलिए लॉक किया था क्योंकि घर में आग लग गई थी। लेकिन यहाँ पर तमाशा होते होते बचता है और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब बहुत ही बड़ा ट्विस्ट तो जनार्दन ले आता है और वो होता है पांड्या स्टोर का नया ब्रांच जो भी पांड्या स्टोर के सामने खोला गया है। और दूसरे दिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देव सच में उस स्टोर को संभालते नजर आएगा। तो दूसरी तरफ यहाँ पर रावी और शिवा दोनों ही अपने स्टोर को संभालते नजर आएंगे, लेकिन एक भी ग्राहक पांड्या स्टोर के पुराने स्टोर पर नहीं जाएगा, देव वाले स्टोर पर जाता है और एक भी उनकी बाउंडी भी नहीं होती और इससे देव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और देखने को मिलता है कि शिवा को बहुत गुस्सा आएगा और देव और शिवा के बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा होने वाला है और शिवा यहाँ पर काफी तोड़फोड़ कर देगा। तो वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर धरा आएगी और धरा यहाँ पर देव को ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है कि देव ने आखिर ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर लिया, और वो भी देव को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आएगी कि और उसको अच्छा खासा सबक सिखाएगी और कहेगी आज के बाद हमारे रिश्ते भी खत्म। तो यहाँ पर ऋषिता ने और देव से सब कुछ मनाने की कोशिश कर रही थी धरा, लेकिन अब गुस्से में बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट लेते वादा यहाँ पर करते नजर आएगी कि अब वो कभी भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी और अपना फैसला सुना देगी। जिसके बाद में यहाँ पर ऋषिता को और फायदा मिलने वाला है इसी चीज से और वो देव को और भड़काते नजर आएगी और जनार्दन की ये प्लानिंग सक्सेसफुल कहीं ना कहीं होते नजर आएगी। अब देखते हैं कि पांड्या स्टोर का पुराना स्टोर कैसे अब परिवार वाले पलकर बचाते हैं।